गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। पांटा साहिब में चाकू से गोदी लाश, पूरे शहर में दहशत। सरकार सख्त, फिर भी घर जाने की जिद ने चोर रास्तों पर पहुंचाए लोग। मंडी में फंसे पर्यटकों को नहीं कोई दिक्कत, बोले हिमाचल अच्छा है। नए हथकंडे अपना रहे नशे के सौदागर, अब प्याज की बोरी के बीच पकड़ा चिट्टा। कॉलोनी में दूध सप्लाई रोकी, डीएसपी ने लगाई क्लास। और अब समाचार विस्तार से। पांटा साहिब में जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर बने एक खोखे में चाकू से गोदी हुई एक लाश मिली है। इससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों को गोविंद घाट बैरियर से महज 50 मीटर और एसडीएम दफ्तर से 100 मीटर की दूरी पर सुबह खोखे में लाश दिखी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार मूल का था, यहां पर खोखा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। पुलिस मृतक के कत्ल के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। हिमाचल में दो दिन में यह तीसरा मर्डर है। रविवार को नालागढ़ में शराबी पति ने पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। ना भूख की चिंता और ना ही थकान का शिकवा, मकसद एक ही है कि किसी तरह से अपनों के पास पहुंचना। ऐसी अवधारणा बनी है कि अपनों के पास पहुंच गए तो शायद कोरोना वायरस जैसी महामारी से भी बच जाएंगे। इसी जद्दोजहद के बीच कई लोग अभी भी पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। यह लोग सड़क से नहीं बल्कि चोर रास्तों से घर के लिए निकले हैं, जहां पर पुलिस की नजर भी शायद कम ही पहुंच पा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अब सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग रहा है। इस तरह के लोगों ने सिर्फ अपने घर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि बाहरी राज्यों से आए लोगों के लिए प्रशासन खाने व राशन की उचित व्यवस्था भी कर रहा है, लेकिन दिल में घर कर गया डर अब उनके पैर उठने से नहीं रोक पा रहा। तो आप रेलवे लाइन से क्यों जा रहे हैं? तो आपको पता है कि ये केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, परमिशन बंद कर दी है। परमिशन बंद कर दी गई है? नहीं, कल ही परमिशन दी है उन लोगों। ओके, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आया? उन्ना से। उन्ना के यहाँ से आया, बद्दी से। बद्दी से कहाँ जाना है? उन्ना जाना। तो रेलवे लाइन से क्यों जा रहे हैं? शॉर्ट रास्ता पता है। आपको पता है कि ये कानूनन अपराध बन गया है ऐसे चोरी छिपे एंटर करना दूसरी जगह पे? यार वो बात तो है, पर क्या करें, वहाँ भी भूखे मर रहे हैं। हाँ जी, वहाँ भी भूखे मर रहे हैं, ना खाने को ना कुछ है, बुरी हालत कर दी। तो फिर आप बॉर्डर से क्यों नहीं आए? बॉर्डर से जाने नहीं दे रहे, क्या करें, वहाँ 15 दिन रोक रहे हैं। इसने नहीं बीमार होना, वो भी बीमार होएगा वहाँ। इकट्ठे सुला रहे हैं 500 बंदा इकट्ठा। आए किधर से? किधर से आया? नहीं, बैरियर क्रॉस करके आए? नहीं, इधर गांव से आ रहे हैं। इधर वाले से? इधर वाले से? इधर वाले से? चोरी से? आप? नहीं। आप कहाँ से आए? कांगड़ा से, बद्दी से। आपको पता नहीं कांगड़े और आप जा रहे हो? अगर ऊना में आपको रख लिया कॉर्डिनेटर में, फिर उसीलिए रुपया सर हम हमारा चेकअप करवाएंगे। पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद पश्चिम बंगाल के 3 परिवार हिमाचल में फंस गए हैं। ये लोग प्रदेश में घूमने आए थे और मंडी जिला के पद्दर उपमंडल में घटासनी के एक गेस्ट हाउस में 21 मार्च को रुके। इसके बाद वे वहीं फंस गए। वहीं पद्दर एसडीएम ने अब 3 परिवारों के 10 सदस्यों को गेस्ट हाउस में ही उचित प्रबंध करवाकर होम क्वारंटाइन में रखा है। इन पर्यटकों ने बताया कि हमें यहां पर प्रदेश सरकार हिमाचल ने इस संकट की घड़ी में पूरी सुविधाएं दी हैं, तथा उन्होंने हमें राशन व अन्य सामग्री भी यहां पर उपलब्ध करवा दी है। साथ ही प्रत्येक दिन प्रशासन के अधिकारी यहां फीडबैक लेने के लिए आते रहते हैं। कहां से आए हैं आप? हम लोग सर वेस्ट बंगाल से, कोलकाता बैरकपुर। बैरकपुर, यहाँ कैसे आप आ गए?
ये सर हम लोग घूमने आया था शिमला, शिमला शिमला होते हुए लॉकडाउन हो गया, इसी वजह से सर यहाँ के फंस गए हम लोग। ये कितने दिन हो गए आपको यहाँ? ये 21st हम गया तो रात को आए थे सर। अच्छा 21 मार्च एक दिन सर हम लोग यहाँ पर। तो आपको प्रशासन की तरफ से पूरी सुविधा मिल रही है यहाँ पे? सर मिल रही है, आप लोग है सर बहुत बढ़िया है, मेहरबानी बहुत बहुत आपको। हिमाचल प्रदेश टोटली हम लोग को क्या फोन कर रहे हैं तो अभी से सपोर्ट मिल रहा है सर बिल्कुल। सैल्यूट ऑल द हिमाचल गवर्नमेंट, आप लोग है बोल के हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। प्रदेश में लगे कर्फ्यू से नशा माफिया बौखला गए हैं और खेप लाने के लिए नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं। अब पुलिस थाना कुमारसैन के तहत किंगल में पुलिस ने राशन ले जा रही गाड़ी से 42 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि राशन से भरे ट्रक में अवैध नशा ले जाया जा रहा है। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में प्याज के एक कट्टे में पॉलीथीन लिफाफे के अंदर चिट्टा बरामद हुआ। उसका वजन 42 ग्राम पाया गया। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि आरोपी चालक लोकेश को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी व बिलासपुर स्थित संस्थान में जेईई नीट एनडीए व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। तो आइए और अपना भविष्य संवारिए। पिछले 4 सालों में जहां एक और इस संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर 50 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है, वहीं 70 से अधिक बच्चों ने विभिन्न आईआईटी व एनआईटी में प्रवेश प्राप्त किया है। बिलासपुर व घुमारवी स्थित संस्थान में क्रैश कोर्स 2020 में जल्दी से जल्दी दाखिला लेकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे इस कोर्स में सीटें सीमित हैं, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कर्फ्यू के दौरान जरूरी खाद्य सामग्री के परिवहन को रोक न होने के बावजूद सुंदरनगर में बीबीएमबी कॉलोनी में दूध की सप्लाई नहीं हो पाई। बीएसएल थाना पुलिस ने सोमवार को जीरो चौक से सप्लाई रोक दी। इससे 1000 लीटर दूध दही पनीर का वितरण प्रभावित हुआ। वहीं समय पर जरूरी पेय पदार्थ ना पहुंचने से जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि दूध ना पहुंचने से घर में जहां छोटे बच्चों को दूध नहीं मिला, वहीं बड़ों को चाय तक नसीब ना हुई। वितरक अश्विनी होंडा ने बताया कि उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों से भी बात करवाई, लेकिन वह नहीं माने और वितरण को रोक दिया गया। उधर मामले पर डीएसपी गुरबचन सिंह ने कहा कि वीएसएल थाना प्रभारी को निर्देश दिए जा रहे हैं, जरूरी वस्तुओं का परिवहन प्रभावित नहीं होगा। हमने थाने में भी सब कुछ लिखा दिया अपना, सारा जो बायोडाटा था हमने सारा व्हीकल नंबर भी लिखा दिया है। एस एच साहब से हमारी बात होती है, कहते हैं आप 6 से 9 तक बेच सकते हो। परिसर में एक्चुअली वो पुलिस वाले बोलते हैं अभी वापस जाओ ना बेचो। हमने इतना सारे 700-800 लीटर दूध आया है। अभी फूड इंस्पेक्टर जी से बात हुई हमारी, वो कहते हैं मैं SDM साहब से बात करके बताता हूँ आपको क्या है। तो हमें दिक्कत आ रही है सर, हमने कब कलेक्शन करने पैसे, गाड़ी तो अभी पेमेंट लेके चली जाएगी। तो 800 लीटर सर ये 40,000 का दूध है यहाँ पड़ा हुआ। उन्होंने बोला है कि अभी आपने कैसे, फिर फूड इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी और वो कहते मैं खुद आ रहे हैं वो इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे। नहीं तो आपने इनको बताया नहीं है एसेंशियल कमोडिटी? सब कुछ बता दिया इनको कि हमने वहाँ से एसएचओ साहब को वहाँ पे, इवन वहाँ पे अपना कंप्लेंट बुक में भी इनकी वहाँ पे लिखा के आए थे, व्हीकल नंबर भी लिखा के आया है, सब कुछ लिखा के आया है अपने नंबर। उन्होंने बोला कि एक ही बंदा सप्लाई करता है, अभी हमें एक ही बंदा सप्लाई कर रहा है सर, एक बंदा सप्लाई के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी कितना लीटर दूध जो है डेली दूध दही वगैरह आ रहा है आपका? सर दूध दही मिला के तकरीबन 800-1000 लीटर बन जाता है, दही दूध मिला के सर टोटल वैसे दूध आ रहा है 7.5-7.75 लीटर दूध आ रहा है, दही दूध मिला के 1000 लीटर दूध बनता है। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।